अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर घमासान छिड़ गया है। ममता सरकार ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी ने कहा है कि अगर प्रशासन बीजेपी की यात्रा को इजाजत नहीं देगा तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा करने जा रही है, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह भी 11 फरवरी को कूच विहार पर यहां से एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि यात्रा के समापन पर पीएम मोदी को भी बुलाया जाएगा। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से बात करते हुए बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर परिवर्तन यात्रा की इजाजत नहीं मिली तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। कितनी परिवर्तन यात्रा है बीजेपी पश्चिम बंगाल में निकालने जा रही है और इसकी शुरुआत कौन करेगा? 5 यात्राएं हमारी निकलेंगी और पहली यात्रा 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जिसकी शुरुआत करने वाले हैं नवदीप से। बाकी 4 अलग स्थान हैं। दूसरी यात्रा गृह मंत्री अमित शाह जी 11 तारीख को कुछ दिन से प्रारंभ करेंगे। बाकी यात्राओं की भी हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और प्रदेश सरकार की जो भ्रष्टाचार है, जो दुर्नीति है, उससे जनता को अवगत करेंगे। तो एक जो परिवर्तन यात्रा है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करेगी? 294 विधानसभाएं, हम सभी विधानसभा में जाएंगे। तो कोई रथ यात्रा 50 परिवर्तन यात्रा 60 करेगी, कोई 55 करेगी, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार यात्रा जाएगी। क्या राज्य सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने परिवर्तन यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है? देखिए, हमने विधिवत परमिशन मांगी है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गृह मंत्री से समय में मांगा है, गृह सचिव से, पर दुर्भाग्य से समय नहीं मिल पाया। हमने विधिवत रूप से उनको ईमेल भी कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट में उनके ऑफिस में भी दिया है। उनकी ओर से सूचना ये दी गई है कि आप जिले से परमिशन लीजिए। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष को उनके मौलिक अधिकार जनता के बीच में जाने का, उससे रोका जाना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमें जिलों से परमिशन मिल जाएगी। और अगर परमिशन नहीं मिलती है यात्रा निकालने की तो कोर्ट पे जाएंगे। हमें कोर्ट पे जाकर हम उनसे याचना करेंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा।